क्वेश्चन देखो मान्य क्या है तुम्हारा। हाँ देखो इस तरह का क्वेश्चन ना, देखो ये प्रूफ करने वाले में ना तीन तरह का क्वेश्चन होता है, ठीक है। एक सिंपल रूट वाला, और रूट के साथ कोई नंबर वाला, अब डबल रूट वाला। इसको देखो अलग तरह से बनाते हैं। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले स्टेप स्टार्ट वैसे ही करना है। तो लेटस एज्यूम, ठीक है, स्टार्ट बस उसी तरह से करना है। तो लेटस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रेरी दैट रूट फाइव माइनस रूट सेवन। इसमें देखो बहुत कोई गलती कर देता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। रूट फाइव माइनस रूट सेवन इज रैशनल, ठीक है। मानना तो सेम चीज़ है, रैशनल ही मानेंगे हम लोग, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन में शुरू में ऐसे ही करना, सारे में कॉन्ट्रेरी मान लेना, मतलब विरोधाभास में ले लेना कि रूट फाइव माइनस रूट सेवन रैशनल होगा। अगर ये रैशनल होगा तब क्या लिख सकते हैं, देन कोई भी रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, रूट फाइव माइनस रूट सेवन किसके बराबर होगा, देन रूट फाइव माइनस रूट सेवन इज इक्वल टू ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो सच दैट ए एंड बी आर को प्राइम ऑल्सो, ए एंड बी आर को प्राइम ऑल्सो, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया, ये तो सब क्वेश्चन में इसी तरह से मानना, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या करना रहता है, दोनों तरफ स्क्वेयर करना रहता है पहले, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अभी बताएंगे क्यों स्क्वेयर कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल जैसे दिया रहता था फाइव प्लस रूट टू, तो इसमें तो क्या करना रहता था, फाइव को राइट साइड ले जाते थे, सिर्फ रूट वाला बच जाता था। लेकिन इसमें कैसे रखेंगे, इसमें तो दो दो रूट है, ठीक है, तो ऐसा करना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए पहले स्क्वायर करेंगे, ठीक है। स्क्वायर करने से क्या आएगा देखते हैं अभी, ठीक है। तो स्क्वायर कर देने से देखो आ जाएगा रूट फाइव माइनस रूट सेवन का होल स्क्वायर आ जाएगा, रूट फाइव माइनस रूट सेवन का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इधर देखो फॉर्मूला लग जा रहा है, आइडेंटिटी लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू इंटू रूट फाइव इंटू रूट सेवन, और राइट साइड क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये रूट फाइव का स्क्वायर फाइव आ गया और रूट सेवन का स्क्वायर सेवन आ गया, और इधर आ जाएगा माइनस टू रूट थर्टी फाइव, ठीक है, और इधर आ गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखो फाइव और सेवन क्या जा रहा है, फाइव और सेवन ट्वेल्व, ठीक है, तो आ गया ट्वेल्व माइनस टू रूट थर्टी फाइव इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस टू रूट थर्टी फाइव को उधर ले जाओ, ठीक है, और ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ट्वेल्व माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस टू रूट थर्टी फाइव, ये हो गया, ठीक है। अब उस टू रूट थर्टी फाइव का टू को इधर ले आओ, अच्छा अभी बाद में लाएंगे, टू रूट थर्टी फाइव को बस इधर रहने दो, ठीक है, और इसका एलसीएम ले लो, वन और बी स्क्वायर का एलसीएम क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। किसी स्टेप में नहीं समझ आया तो बताना, वन से बी स्क्वायर बार में, तो ट्वेल्व से बी स्क्वायर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो ट्वेल्व बी स्क्वायर आ गया, और वन से ए स्क्वायर ऐसे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि रूट वाले को सिर्फ छोड़ना है, ठीक है, जैसे हम लोग बाकी क्वेश्चन में करते थे, रूट वाले को सिर्फ रहने देते थे, बाकी को उधर ले जाते थे। हाँ वैसे ये भी छोटा ही बनता है, ज़्यादा लंबा नहीं जाता है ए स्क्वायर, और ये जो टू है ये इधर मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टू बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या है हम लोग का, नीचे क्या है वो देखेंगे, ठीक है। हियर यहाँ अगर देखें तो 12 इंटीजर है, 12, ठीक है, ये 2 ए बी, 12 टू ए एंड बी आर इंटीजर्स, ये सारा क्या है, इंटीजर है, ठीक है, ये सब इंटीजर है, तो हम लोग बोलेंगे हेंस जब ये सारा ऊपर नीचे इंटीजर है तो हम लोग बोल सकते हैं ये रैशनल होगा, तब हेंस 12 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू बी स्क्वायर इज रैशनल, ये क्या हो जाएगा, ये रैशनल होगा, ठीक है। तो राइट साइड वाला हम लोग का रैशनल आ गया। अब देखो ये दोनों तो इक्वल है, ये वाला और ये वाला इक्वल है, जब राइट साइड वाला अगर रैशनल होगा तो लेफ्ट साइड भी तो रैशनल होना चाहिए, ठीक है, ये रूट थर्टी फाइव भी रैशनल होना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे देन रूट थर्टी फाइव मस्ट बी ऑल्सो रैशनल, रूट थर्टी फाइव को भी क्या होना चाहिए, रैशनल, ठीक है। बट लेकिन अगर हम देखें, बट वी नो दैट, हाँ इस तरह का केस में देखो कोई भी रूट वाला नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो
और रूट के अंदर वो क्या होता है, इरेशनल। तो बट वी नो दैट √35, फिर से देखो हम क्या बोले, वैसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो और वो रूट के अंदर हो तो वो क्या हो जाता है, इरेशनल। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे बट वी नो दैट √35 इज इरेशनल, इसमें प्रूफ करने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली आता है। ठीक है, मतलब इसको प्रूफ नहीं करना है, बाकी सब तो प्रूफ करना ही है। ठीक है, बट वी नो दैट √35 इज इरेशनल। ठीक है, तो देखो ये दोनों सेंटेंस कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, कौन कौन सा सेंटेंस बताते हैं एक सेकेंड। यहाँ बोला गया √35 मस्ट बी ऑल्सो रैशनल। ठीक है, ये बोल रहा है √35 को रैशनल होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, √35 इज इरेशनल। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस आपस में कंट्राडिक्ट हो रहे हैं, एक बोलता है रैशनल होगा, एक बोलता है इरेशनल होगा। तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, नाउ दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, नाउ दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, ठीक है, बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन, बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। तो रॉन्ग अजम्पशन हम लोग का क्या हो चुका है, चलो सबसे शुरू में जाएंगे, तो क्या रॉन्ग अजम्पशन कर चुके हैं हम लोग, तो सबसे शुरू में देखो हम लोग कुछ एज्यूम किए थे, सबसे ऊपर यहाँ देखो, यहाँ एज्यूम किए थे कि √5 माइनस √7 क्या है, रैशनल। ठीक है, लेकिन यहाँ नीचे क्या आ रहा है, नीचे हम लोग का बोल रहा है कि एजम्पशन गलत है। तो एजम्पशन जब रैशनल, कोई नंबर अगर रैशनल नहीं होता तो क्या हो सकता है, वो कोई नंबर अगर रैशनल नहीं हो तो इरेशनल होगा, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं हेंस, हेंस क्या था, √5 माइनस √7 इज, हेंस √5 माइनस √7 इज इरेशनल, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। ठीक है, √5 माइनस √7 इरेशनल होगा। तो ये देख लो मानिया, यहाँ तक कोई डाउट हो या किसी स्टेप में पूछना हो तो बताओ। ठीक है, तो इसी तरह से ये प्रूफ करना है। ठीक है, हाँ, तो देखो तीन तरह का क्वेश्चन होता है। ठीक है, सिंपल सा ध्यान रखना, तीन तरह का इस तरह का क्वेश्चन होता है। एक तो डायरेक्ट पूछा जाता है √5 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल, ये तो पूरा लॉन्ग जाता है। ठीक है, वो वाला प्रोसेस। ठीक है, कॉमन फैक्टर निकालने वाला, मतलब को प्राइम से हम लोग को दिखा देना आता है को प्राइम नहीं है। ठीक है, एक तरीका ये हुआ, एक क्वेश्चन √2 + √5, ठीक है, √3 - √6, √2 √5/2, ठीक है, √2 √5 - 3, ऐसे कुछ कुछ रहता है, ये दूसरा तरीका हुआ। ठीक है, और ये जो थर्ड तरीका तुम्हारा, ये सबसे मतलब कम लोग को पता रहता है, √5 - √7 कुछ ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, √2 + √3 इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, ये थर्ड टाइप का होता है। ठीक है, हाँ, ये वाला में क्या करना, देखो इसमें क्या करना रहता है, पूरा लॉन्ग प्रोसेस, ये तो NCERT में भरा हुआ है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, फिर ये वाला देखो, ये भी NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह का, लेकिन ये वाला क्वेश्चन नहीं दिया रहता है NCERT में, देखना, दिया रहता नहीं मतलब दिया नहीं है। ठीक है, और आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, वो तो आ सकता है क्योंकि ये है। ठीक है, तो इसमें इसको ऐसे करना रहता है। ठीक है, तो इसी तरह से करना मानिए, और भी कोई डाउट हो पूछना, और सेशन अच्छा लगा हो तो रेट जरूर करना। ठीक है, अभी भी कहीं डाउट हो तो पूछ सकती हूँ। ठीक है, तुम्हारा अच्छा चैट बॉक्स में, ओके, समझ गया ना। ठीक है, ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।